अब मैंने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में कर रखा है। बच्चे, बूढ़े और सभी यंग्स दीवाने हैं मेरे। हेलो, मेरा नाम है गूगल। इस फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, और मैं वो जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। मुझे तो आप सभी जानते ही होंगे, मैं आपका फेवरेट जो हूँ मैं हूँ फ्री फायर। हेलो, मैं हूँ इंस्टाग्राम। मैंने पूरी दुनिया को पागल करके रखा है, और स्पेशली यंग जनरेशन को, उसको और उसको भी। आप सब तो मुझे जानते ही होंगे, आपकी सुबह की शुरुआत भी मुझसे ही होती है, और आप सोने से पहले भी मुझे ही देखते हैं। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं हूँ यूट्यूब। और मुझे तो आप सब जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। अरे मेरा बेटा पढ़ रहा है, शाबाश। हाँ पापा, आप आ गए। यस बेटा। मम्मी मम्मी, मेरा होमवर्क करा दो, कल मेरा एग्जाम है। मम्मी करा दो ना। मम्मी मम्मी, मेरा होमवर्क करा दो ना। क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने नहीं कराया स्कूल में? कराया था पर मैं भूल गई। अभी तो बेटा मैं बिजी हूँ, तुम अपने कमरे में चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। या फिर अपने पापा से जाके पूछ लो। पापा पापा, मेरा होमवर्क करा दो, कल मेरा एग्जाम है। बेटा आपको दिख नहीं रहा, मैं ऑफिस के साथ ही बिजी हूँ, बाद में करा दो। मम्मी के पास जाओ। मम्मी करा दो ना, पापा तो बिजी हैं। बेटा पापा बिजी है तो तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं भी बिजी हूँ। चलो अपने कमरे में, थोड़ी देर में आती हूँ मैं। बेटा मैं तो अभी बड़ी बिजी हूँ, सुबह सुबह हजारों काम होते, तेरा ब्रेकफास्ट भी बनाना है, घर के भी हजारों काम है। अपने पापा से जाके पूछ लो ना। पापा पापा, मेरा होमवर्क करा दो, आज मेरा एग्जाम है। बेटा आई एम गेटिंग लेट, आके करवाता हूँ, मम्मी के पास जाओ। अरे साथ में मैं चलता हूँ।
मम्मी ने भी नहीं कराया, पापा ने भी नहीं कराया, आज तो मेरा एग्जाम है, चलो मैं स्कूल चली जाती हूँ। अरे बेटा जानवी, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी कल आपने भी नहीं समझाया, पापा ने भी नहीं समझाया, इसलिए मेरा एग्जाम गंदा हुआ। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। डॉक्टर देखना क्या हुआ हमारी बेटी को, ये डिप्रेशन में चली गई है, इसने लगातार ज्यादा फोन देखने के कारण ये चक्कर आ गई है। आप क्या कर रही थी जो इतना फोन देख रही थी? मेरे को मेल चेक करना था और एक कॉल भी अटेंड करनी थी, मैं बिजी थी इसलिए इससे ध्यान नहीं दे पाई। आप क्या कर रही थी? ऑफिस के काफी बिजी था। मैंने इसको 2-3 दिन की दवाई दे दी है, ठीक हो जाएगी, पर आपको भी आगे से ध्यान रखना है कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अपने काम से ज़्यादा उनके काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। और इसके लिए हर घर में हर बच्चे की कहानी है कि वो फ़ोन में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर की दुनिया में क्या है क्या नहीं है। तो आपको अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड अपने बच्चों के साथ दीजिए। सॉरी डॉक्टर, हम आगे से ध्यान। हाँ मम्मी, अब मुझे ठीक लग रहा है, क्या मैं थोड़ी देर आराम करने जा सकती हूँ? जा सकते हो बेटा, जाओ। आती हूँ ना तुम्हारे कमरे में। मम्मी आप बिजी हो तो क्या मैं फोन से कर लूँ? नहीं बेटा, थोड़ी देर में मैं ही आऊंगी तुम्हारे पास, तुम्हारा काम करा। अरे चलो मम्मी तो नहीं आई, मैं फोन से कर लेती हूँ। काम तो हो गया, एक बार थोड़ा फोन देख लेती हूँ। अरे नहीं, अभी जाऊंगी के पास भी तो जाना। ये क्या जानवी, मैंने मना किया था ना तुम्हें, मैं आऊंगी तुम्हारे पास काम कराने, और तुमने फिर भी फोन देखा। सॉरी मम्मी, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। चलो ठीक है, अपनी किताब निकालो। ये देखो बेटा, इसका यहाँ पे है, अगर इसको ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका सोल्यूशन यहाँ है, और इसकी डेफिनेशन ऐसे है। अगर पेपर में भी आए तो तुम्हें इसका आंसर ऐसे ही लिखना है जिससे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है?
ये देखो इसका यहाँ पे सोल्यूशन और इसकी यहाँ डेफिनेशन। मम्मी मुझे समझ में आ गया। अच्छे से आ गया ना बेटा? हाँ मम्मी। अब आंदा ध्यान रखना जानवी, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो मेरे पास आना, तुम फोन से नहीं देखोगी, ठीक है ना? ओके मम्मी। ओके बेटा। अरे आज तो मेरा एग्जाम है, चलो स्कूल चली जाती। मम्मी मम्मी आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। शाबाश बेटा, अच्छे से हुआ? हाँ मम्मी, आपने समझा दिया था इसलिए मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। पूरा करके आइए बेटा। हाँ मम्मी। ठीक है बेटा, शाबाश। आ गए आप? हाँ। पापा पापा आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। कैसे हुआ बेटा? मम्मी ने समझा दिया था इसलिए मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। शाबाश। अरे कल भी तो मेरा एग्जाम है, चलो थोड़ी रिवीजन कर लेती हूँ। सुनते हो? अगर तुम फ्री हो, तुम्हारा ऑफिस का काम खत्म हो गया तो हम जानवी के साथ कहीं घूमने चलें। बेटा तुम्हारा होमवर्क फिनिश हो गया? हाँ मम्मी मेरा होमवर्क फिनिश हो गया। तो कहीं हम घूमने चलें? चलो चलते हैं। Social media, use it for the in right way and for right works. Thank you.